अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। और आज के व्लॉग में मैं आ गया हूँ एमिनुनु बहुत फेमस और बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है। यहाँ से क्या है कि हम बुरसा जा सकते हैं, फेरी में जा सकते हैं, प्रिंस आइलैंड जा सकते हैं, एशियन साइड जा सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शन हैं यहाँ पे। फेरी में हम इंजॉय कर सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं। तो ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पे होती हैं एमिनुनु पे, तो मैं आपको दिखाने वाला हूँ एमिनुनु। यहाँ पे फ़िशिंग करते हैं लोग, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, वो सब मैं आपको धीरे धीरे बताता हुआ दिखाता हुआ चलूँगा। तो अगर आप मेरे चैनल पर नया हो तो मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कॉमेंट, और चलिए लेट्स गो। अगर बुरसा जाना हो तो हम फेरी से बुरसा जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो बुरसा विलेज, ये ऑफिस है। यहाँ पे हम टिकट ले सकते हैं और टिकट का इन्होंने एक नया सिस्टम निकाला है, आप यहाँ से भी ले सकते हो टिकट। अपना मतलब अकाउंट नंबर पेमेंट जो होते हैं क्रेडिट कार्ड से होती है, फिर यहाँ पे आप अपना अकाउंट नंबर डालें जहाँ जाना उसका डेस्टिनेशन, और यहाँ से टिकट मिल जाती है। और यहाँ पे भी आप ले सकते हो कैश में, और टिकट जो है 230 लीरा, आप देख सकते हो। ये देखिए, यहाँ से हम बुरसा जा सकते हैं बुदो। और ये देखिए इसकी लोकेशन एमिनुनु पे, ये एक ऐसा स्टेशन है जहाँ पे सिर्फ बुरसा के लिए ही, यहाँ से हम ट्रैवल के लिए कोई से ऐसे यूज़ नहीं कर सकते, यहाँ से सिर्फ बुरसा जाते हैं, आप देख सकते हो। ये स्टेशन है कदीकोय, एशियन साइड जाने वाला जो स्टेशन है वो ये है। यहाँ पे आप इस्तांबुल कार्ड यूज़ कर सकते हो, इस्तांबुल कार्ड के लिए यहाँ पे आप इस्तांबुल कार्ड निकालें। और एक नया कार्ड है जिसका नाम इस्तांबुल टूरिस्ट कार्ड, सिटी कार्ड है, उसके बारे में मैंने पूरा डिटेल्स बताया है मेरे डिस्क्रिप्शन में, आपको उसकी लिंक मिल जाएगी, यहाँ से आप निकाल सकते हो वो कार्ड भी। उसकी काफ़ी सारे बेनिफिट हैं, वो आपको उस वीडियो में देखने को पता चलेगा। और यहाँ पर आप कदीकोय जा सकते हो, ये देखिए, यहाँ से एशियन साइड जाने के लिए कदीकोय जो एशियन साइड का एरिया है, इस वजह से यहाँ पे ये देखिए। अच्छा फ्रेंड, जो आपको ऐसे येलो कलर में मिलेंगे ना फेरीज, वहाँ पे येलो कलर का आप दिख रहा होगा आपको, उसमें येलो कलर वो जो होती है गवर्नमेंट की होती है, वरना यहाँ पे काफ़ी सारे प्राइवेट फेरी भी चलती हैं। प्राइवेट वाली जो होती है थोड़ी एक्सपेंसिव होती है, लेकिन वो भी ठीक होती है, लेकिन ये गवर्नमेंट की होती है येल्लो वाली। और ये देखो दोस्तों, इस ब्रिज के नीचे ना कितने सारे रेस्टोरेंट हैं, यहाँ जाने के लिए हमें इधर से जाना पड़ेगा, इधर से सीधा उधर, वो देखिए सब लोग जा रहे हैं उधर रेस्टोरेंट। तो ब्रिज पर यहाँ पर ले देखिए कैसे फिशिंग कर रहे हैं सब, मैं आपको दिखाता हूँ आगे चल के। यहाँ देखिए कितने सारे एक साथ लगे हुए, फिशिंग रॉड लगा रखी है सबने। यहाँ से भी हम जा सकते हैं रेस्टोरेंट में, यहाँ से नीचे ये देखिए, वो देखिए क्लाटर टावर यहाँ से दिख रहा है। और ये यहाँ का स्ट्रीट फूड है, कॉर्न वगैरह, 30 लीरा का कॉर्न है। सीमित वगैरह यहाँ पे मिलता है, ये देखिए ये प्राइस है सीमित के। और शाम के टाइम पे यहाँ पे जो लोग मतलब फिशिंग करते हैं ना, फिश लाते हैं यहीं पे, उसको मतलब उसको पकाते हैं, फ्राई करते हैं, मसाला डालते हैं, नींबू लगा के उसको बेचते हैं यहीं पे, काफ़ी टेस्टी होता है। ये देखिए यहाँ से हम जा सकते हैं इस वहाँ पे एक अदलार, ये देखिए अदलार जो है आइलैंड को कहते हैं तुर्किश में, अदलार आइलैंड। और प्रिंसेस आइलैंड के लिए हम यहाँ से जा सकते हैं। हर स्टेशन का अलग अलग रूट है, अलग अलग वो है जगह जाती है। ये स्टेशन ये देखिए, और ये जो है मेन स्टेशन है यहाँ का, ज़्यादातर लोग जो हैं इसी से जाते हैं,
यहाँ पे आप क्राउड देख सकते हो। और ये स्टेशन है मेट्रो का, वो सॉरी ट्रैम का। और अगर हम यहाँ से उस साइड जाएं तो वहाँ पे जो है इजिप्शियन बाज़ार है। मैं आ गया हूँ स्पाइसेस बाज़ार, मतलब मिस्र बाज़ार। और ये देखिए यहाँ का बाहर का व्यू, ये देखने में इतना छोटा है ना, अंदर से उतना ही बड़ा है। और ये इसका बाहर का व्यू, ये देखिए ये अमीनों के पास है। ये अभी न्यू मस्जिद बनी है ये। और ये ना ग्रुप हैं लोगों के, अंदर विजिट करने के लिए जाएंगे ये लोग, अपने ग्रुप का इंतज़ार करते हैं और हम चलते हैं लेकिन अकेले। सो लेट्स गो। ये बिल्कुल कवर मार्केट की तरह है, ग्रैंड मार्केट की तरह, लेकिन यहाँ पे आपको सिर्फ स्पाइसेस देखने को मिलेंगे। ये देखिए सिर्फ मसाले, आपको इतने सारे मसाले देखने को मिलेंगे। सारे मसाले इस जगह पे आपको मिल जाएंगे, जो भी आपको मसाला चाहिए। टी के मतलब चाय के भी काफ़ी सारे वैरायटीज होते हैं ना, वो भी यहाँ मिलते हैं। ये देखिए यहाँ शॉप पे इन्होंने लिख भी रखा है कि इनकी शॉप 1947 से। ये तो हल्दी है। ये देखिए ये फ्लावर्स हैं, मतलब सूखे हुए पत्ते, ये नींबू। ये देखिए ये सारे स्वीट्स हैं। देखिए इस पे रेट भी लिखा है, 480 किलो है ये। बड़ी मज़ेदार जगह है दोस्तों। यहाँ से हम बाहर निकलेंगे तो ग्रैंड बाज़ार भी जा सकते हैं यहाँ से डायरेक्ट। ये देखिए इसे हम चाय में यूज़ कर सकते हैं, चाय में इसे डाल के पी सकते हैं। ये देखिए इतनी सारी चीज़ें यहाँ पे। जेली वगैरह काफ़ी सारी वैरायटीज में जेली है। ये तो इंजीर है, खजूर है। ये देखिए इस स्टेयर को बंद कर रखा, ऊपर नहीं जा सकते यहाँ से, ये लॉक कर रखा है इस जगह को। इधर ब्रदर एक बीजे ब्रेम ये होमवर वेलकम होम वेर वेलकम होम। I am from India, Hindustan. India, Mumbai, Delhi. Yes, Delhi. Oh, Delhi, big country, big Delhi, city, big Delhi big. Is not country, Delhi is state. Oh. India is big country. Who is the big country? India or the Pakistan? India is a country, different country from Pakistan. Yeah, sheriff, she's Jamia in this place, man. Come on. Saula. Thank you. Thanks. Thank you. मैं शूट कर तो जाया था दुकान का, तो अंकल ने कैमरा के मुझे इन्फॉर्मेशन देने लगे, बात करने लगे तो सही इंग्लिश में बात करते बोला। ये बड़े डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें यहाँ पे। ये देखिए ड्राई फ्रूट्स की चीज़ें बना रखी हैं, पिस्ता की, आलमंड्स की। ये देखिए इंजीर है, ये फ्रेंड। जैसे कि आपने अभी देखा यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें हैं, यहाँ पे स्ट्रीट फूड हैं, यहाँ पे काफ़ी सारी जैसे शॉप हैं और एटीएम मशीनें हैं काफ़ी। यहाँ पे आप बैठ सकते हो, फिशिंग वगैरह करते हैं लोग। और जैसे कि फेरी के अलग अलग स्टेशन है जाने के लिए, तो कैसे जा सकते हो इस्तांबुल कार्ड की मदद से जा सकते हो, आप टिकट ले सकते हो बुर्सा जाने के लिए वहाँ से। तो इतनी सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। आई होप आप लोगों को मज़ा आया होगा इस ब्लॉग में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।